नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारी किचन में। कैसे हैं आप सब? आज हम घर पर निकालने वाले हैं मलाई से देसी घी। वो देसी घी जो आपको पता होगा कितना प्योर है और आपके हेल्थ के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हम मार्केट से घी तो लेकर आते हैं, बोलते हैं बहुत सारे ब्रांड की वो आयुर्वेदिक है, कोई मिलावट नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा शंका हमारे माइंड में रहती रहती है कि नहीं यार, कुछ गड़बड़ ना हो, मिलावटी ना हो। अपने बच्चों को देने से पहले तो एटलीस्ट हर माँ सोचती है। तो अगर आप इस तरीके से घर पर घी निकालेंगे तो आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। आपको पता होगा कि जो मैं एक चम्मच भी घी खा रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल प्योर खा रही हूँ। तो घर पर बहुत ही आसान तरीका होता है, मलाई से आप इजिली घी निकाल सकते हैं, जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसको देखने के लिए बढ़ते हैं अपनी किचन की तरफ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो घी निकालने के लिए हमें जरूरत होगी 3 दिन की इकट्ठी करी हुई मलाई की। तो आप 3 दिन की मलाई को इकट्ठा करने के बाद आपको उसे मिक्स करनी है आइस क्यूब्स और थोड़ा सा पानी, और उसको इस तरीके से अच्छे से फेंटते रहिए। फेंटने से क्या होगा, मक्खन धीरे धीरे अलग हो जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पानी नीचे रह रहा है और मक्खन बहुत अच्छे से ऊपर आता जा रहा है। आप चाहें तो उस मक्खन को भी डायरेक्टली घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड पर लगाकर खा सकते हैं या बच्चों को पराठे पे लगाकर दे सकते हैं, खुद एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हमें इसका घी बनाना है, तो बस मैं इसको अच्छे से, इस मक्खन को निचोड़ कर इसका सारा पानी अलग कर लूंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी क्वांटिटी मक्खन की निकल आई है। अब इस मक्खन को मैं कढ़ाई में डालती जाऊंगी, और कढ़ाई को आपने रखना है लो फ्लेम पे ताकि वो लगे नहीं। तो जैसे जैसे मक्खन मेल्ट होता जाएगा, उसमें बहुत सारा घी बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें इसको अच्छे से उबालना है, तो गैस का फ्लेम आप तेज कर दीजिए और उसको चलाते रहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रॉपर उबाले आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल बढ़िया घी हमारा बनकर तैयार होता जा रहा है। आप उसको बीच बीच में जरूर चलाते रहें ताकि आसपास वो लगे नहीं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया घी बनकर तैयार हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर घी ठंडा हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पर आपका रेडी है बढ़िया घर का देसी घी। तो बस इसको एंजॉय करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। ऐसी हमेशा कुछ नया लाती रहूंगी, आपकी जीव का और आपकी सेहत का ख्याल रखती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपीज के साथ। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।